आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक बेबो सीजन 6 स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली एंड हम लोग आ चुके हैं बेबो सीजन 6 वर्ल्ड में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेबो एसएमपी जो कि सीजन 6 का पहला एपिसोड होने वाला है। और मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं कोच बिल्ड नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। लोग मेरे को हर बार हर सीजन बोलते हैं कि मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी बिल्ड कर लेता हूँ, तो इस बार मैंने सोचा है जल्दी कुछ नहीं करने का। ठीक है अब तो सर बोल दे भोस। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई। ओके मैं बिल्ड किया है थोड़ा बहुत स्टार्टअप, मतलब छोटा सा बिल्ड किया है, छोटा बहुत स्टार्टअप किया है, ये देख सकते हो। थोड़ा सा मतलब एकदम छोटा सा बिल्ड किया है, एकदम क्या ही बोलूँ मैं। अभी तक आयरन आर्मर मतलब डायमंड आर्मर में चल रहा हूँ, ये तो कुछ नहीं है भाई, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ मैं कुछ नहीं किया बस। ओके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मेरा क्या क्या मैंने स्टार्टअप किया है। तो यहाँ पर नेदर पोर्टल देख सकते हो, कैक्टस फार्म भी देख सकते हो, इवन हर चीज़ है, मॉस भी मैंने कलेक्ट कर लिया है, मतलब स्टेजर से मिल गया है, मिल जाता है, एंड बैम्बो भी है, मैंने जंगल से लाया था बैम्बो, और छोटा सा काव फार्म बनाया था जो कि अभी काम में नहीं है आता है, और स्मेल्टर तो चाहिए ही चाहिए जो कि मैं स्मेल्टर बना लिया है। एंड ये क्या है, हेलो वेलकम टू योर न्यू पड़ोसी गॉड ऑफ डिज़ायर इज हियर। ओके गॉड ऑफ डिज़ायर मतलब ऋषि का जो कैरेक्टर है वो मैं बता दूंगा वो सब। हाँ तो इस बार हम लोग का सब एक गॉड का रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये ऋषि का कैरेक्टर है गॉड ऑफ डिज़ायर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये गिफ्ट दिया है उसने। इसमें से ये गोल्डन एप्पल के अलावा कुछ काम का नहीं है। एनीवेज तो इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा ऋषि को, जो कि बात एक है मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये बहुत फनी है। पर उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ बेबो के बारे में। तो इस सीज़न क्या होने वाला है कि हर एक बंदा एक गॉड का रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों का टैग लाइन है कि वार ऑफ गॉड्स, तो हम लोग एक एक गॉड का रोल प्ले करें। मेरा जो करेक्टर है वो गॉड ऑफ इल्यूशन है, जो कि स्टोरी में धीरे धीरे बिल्डअप करूंगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वाले में से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोरी। एंड बेबो में नया मेंबर्स एक ज्वाइन हुआ है, तन्वी कह के हुई है, सॉरी हुई है लड़की ऑब्वियसली, तो उनसे भी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगर कॉलअप हुआ तो। एंड पुराने मेंबर्स में शिवराज ने कमबैक किया है और कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिल्कुल नीचे तक जाकर भी हम लोगों को सीट का कोई ऑप्शन नहीं आता है, तो इस बार हम लोगों का पूरा ब्लाइंड सीट है, किसी को कुछ नहीं पता सीट के बारे में। एंड सिर्फ मनोज को पता है क्योंकि उसने वर्ल्ड क्रिएट किया, वो तो आप लोगों को पता है हम लोगों का करता धरता मनोज ही होता जो भी है। तो या यही है बेबो के बारे में आप लोग को जो जानना जरूरी है। धीरे धीरे मैं बता दूंगा एडवांस वगैरह पुराना सारे सब कुछ ही ये इस बार भी है, जो पुराना था वो भी है, एंड नए में से अभी तक ऐड नहीं हुआ, डिस्कॉर्ड पे हम लोग बता देंगे अगर ऐड हुआ तो। एंड ओके थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे एन्चेंटमेंट मैंने बना लिया है, एक सस्ता सा बेसल्ट जनरेटर बनाया था वो काम नहीं कर रहा है पता नहीं क्यों, और ये थंडरबर्ड हम लोगों को मिल चुका है गाइस, ये मेरे को मनोज ने गिफ्ट किया था थंडरबर्ड, उसको सेफली नेदर से होके हुए उसके घर तक पहुंचा के दिया था इसलिए थे। और ये मेरे को सबसे फेवरेट बिल्ड हुआ है, ये मेरा फर्स्ट बिल्ड था इस वर्ल्ड में, जो कि एक माइन का एंट्रेंस है, ये नीचे माइन जाता है, आप लोगों को मैं बाद में दिखा दूंगा। तो ठीक यहाँ सर नीचे लेडर लगा हुआ है जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर माइन जा रहा है, एंड यहाँ पर मैंने ब्लॉक्स वगैरह जो मिलता है वो कलेक्ट करके यहाँ पर रखता हूँ। नीचे बहुत मैंने माइन किया है, मशरूम आइलैंड पे एक ही फ़ायदा होता है कि मॉब नहीं होता है, इसलिए मैं मशरूम आइलैंड मतलब चूज़ किया अपने ग्राइंडिंग के लिए। पर उससे पहले मैं छोटा बहुत फर्स्ट डे का क्लिप्स वगैरह रेंडमली रिकॉर्ड किया है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनी ब्लॉग के तौर पे जैसे होता है। सो ये देखो, देन हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आप बाकी जो चीज़ें वो आप लोगों को दिखाऊंगा। सो ये देख लो, पहले फर्स्ट डे वर्ल्ड ज्वाइन करते ही रात हो गया था, तो मैंने सुबह का इंतज़ार किया, फिर स्पॉन पे प्रदीप के साथ थोड़ा बातचीत किया, उसके बाद मैं इंतज़ार कर रहा था ऋषि का आने का, फिर हमारा ऋषि आया। ये तो ऋषि नहीं है, हाँ ये वाला है ऋषि। तो ऋषि आया, मैं हमसे ऋषि के साथ बात हुआ, उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पहले ग्रीन बायोम में जाएंगे, जाके थोड़ा बहुत वुड ग्राइंडिंग करेंगे पहले। फिर हम दोनों ने थोड़ी देर तक झगड़ा किया कि ड्राइव कौन करेगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड किया कि मैं ड्राइव करूँगा। देन हम लोग निकल पड़े अपनी जर्नी के लिए, जो कि हम लोग ग्रीन बायोम में जाने वाले, मतलब आसपास जो भी बायोम होगा उस बायोम में जाने वाले
तो हम लोग यहाँ से निकल के वहीं तक डेस्टिनेशन जाने की कोशिश कर रहे थे। बीच में हम लोगों को अश्विन मोन्यूमेंट से माइनिंग फटिक मिल गया था, तो माइनिंग फटिक की वजह से हम लोग कुछ माइन नहीं कर रहे थे, ये बताना ज़रूरी था। ओके एनीवेज, फिर मैंने अपना 100 IQ इस्तेमाल करके मशरूम काउ का हेड लगा कर मैंने ऊपर जाने की कोशिश किया, पर गलती से वो ज़्यादा ऊपर लग गया था। बट मेरे पास मेरा खुद का हेड था, इसलिए मैंने फिर से एक और हेड लगाया एंड हेड की मदद से ऊपर गया, मतलब शिपरेक के में। पर इतना मुश्किल, इतना फटने फटाने के बाद हम लोगों को मिला क्या, ये आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। हम लोगों को सिर्फ पेपर मिला है, तो इस गुस्से में हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। देन ऋषि कुछ टर्टल्स को मार रहा था, ये दिखाना नहीं था शायद, मेरे को भूल गया था। एंड देन हर यूट्यूबर की तरह मैं भी थोड़ा बहुत वुड चॉप कर रहा था, अपना स्टार्टअप कर रहा था, जो कि आप लोगों को दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं स्किप कर दूंगा। एंड फिर अचानक हमारे आदर्श के देवता जो मनोज ओपी है, वो हमारे साथ एडवेंचर पे निकल गए। तो हम लोग गए थे जंगल बायोम पे, वहाँ से सामान हम लोगों ने कलेक्ट किया। सरफेस लेवल पे बहुत सारा ओर्स वगैरह मिल गया था, कॉपर आयरन, तो वो भी हमने कलेक्ट कर लिया यहाँ से। और फिर मैं मर गया, फिर से अपने स्पॉन पे आ गया सब कुछ खोकर, पर कोई बात नहीं, मैं जाके ये लेके आऊँगा क्योंकि मेरे को जगह याद है बिल्कुल, मतलब दिमाग पे एकदम सेट हो गया था। एंड फाइनली मेरे को अपना सामान सब मिल गया था, मैं पूरा एकदम सुरक्षित था, सब सामान मैं क्रीपर से मरा था। वहाँ से मैं सब अपना सामान कलेक्ट करके मैं निकल गया, बोला कि ये यहाँ पर रहने का ही नहीं, मैं सेफ रास्ता चूज़ करके मैं मशरूम आइलैंड पे आ गया था। मशरूम आइलैंड पे मैंने बहुत सारा माइन किया, मेरे को बहुत सारा डायमंड्स भी मिला था, और मेरा पोर्टल एकदम एक जॉम्बी स्पॉनर पे स्पॉन हुआ था, पर मैं वो तोड़ के यहाँ पर निकलने वाला था, तो मेरे को और भी डायमंड मिला था। एंड क्या ही बोलूँ, रात को मैं जब माइन कर रहा था स्ट्रेट माइन, तो मेरे को थोड़ा बहुत और यहाँ पर डायमंड मिला था, जो कि मैंने माइन कर लिया है क्योंकि मेरे पास फॉर्चून था। एंड थोड़ा सा आगे जाके मेरे को यहाँ पर और भी डायमंड मिला, तो मैंने सोचा भाई मुझे खेलना ही नहीं है, मैं निकल जाता हूँ गेम से। देन नेक्स्ट डे मेरे पास मनोज आया था, मनोज ने मेरे को एक डील दिया था कि बोन के बदले वो मुझे अनब्रेकिंग और मेंडिंग का बुक देगा, तो मैंने बोला बहुत बढ़िया डील है भाई, मैं ले लेता हूँ उससे। तो मैंने उसको अपना बोन दिया, अपना बोन बोल रहा हूँ मतलब स्केलेटन का बोन दिया, और उसने अपना बुक दिया, लिखा हुआ नहीं, विलेजर का बुक दिया। एनीवेज तो ये अच्छा डील था हमारे लिए, बहुत सारा मेंडिंग्स और बहुत सारा मिल गया, पर एक्स्ट्रा और 6 डायमंड दिया था क्योंकि उस मैंने रिटर्न करने की कोशिश किया, फिर भी नहीं माना, फिर भी मेरे को दिया है क्योंकि उसने मेरे से एक बहुत ओपी बो लेके गया था। सो ये हुआ था हमारे बीच जो ट्रेडिंग। बाद में मुझे पता चला कि ऋषि बेडलैंड पे रहने वाला है, तो मैंने भी कुछ उसके वहाँ पर गया और बहुत सारा उसके वहाँ से गुस्से से मैंने बहुत सारा टेराकोटा कलेक्ट करके आया, क्योंकि वो मेरे को आधे रास्ते में जंगल में ही छोड़ के आ गया था। पता नहीं वो पहले डिसाइड हुआ था मैं और वो एक साथ मतलब एक साथ खेलेंगे, तो बाद में उसने छोड़ दिया था। तो एनीवेज ये हुआ था हमारे बीच। बट नेक्स्ट डे जब मैं फिर से ट्री माइन कर रहा था, मतलब चॉप कर रहा था अपने रिसोर्स के लिए, मतलब बिल्डिंग के लिए, तब मेरे को पता चला मेरे घर के पास ही वो फिर से आ गया मेरे साथ रहने के लिए, रोनू उनू करके मतलब जगह ले लिया मेरे आइलैंड पे। बट इट्स ओके, पड़ोसी मिल गया मेरे को, इट्स ओके। सो ओवरऑल यही था हमारा जो छोटा सा मिनी ब्लॉग मैंने बनाने की कोशिश किया था फर्स्ट डे से लेकर। पर आप लोग बताना कि ऐसा जो वीडियो, ऐसा तो मिनी ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं। तो यही ऋषि का कहानी है जो आप मैं बताने की बता रहा था कि मैं बाद में बताऊंगा कि है क्या। तो ऋषि यहाँ पर अपने आइलैंड पे यही पड़ोस में कहीं तो था इसका, हाँ ये रहा उसका जो चेस्ट है, आप लोग देख सकते हो। उसने 3 दिन तक दो चेस्ट एक बेड और अपना हेड लगा कर प्रोग्रेस किया, बस और कुछ नहीं किया उसने। और ये हमारा है स्केलेटन फार्म, और बहुत पीछे वाला भी बिल्ड मेरे को बहुत अच्छा लगा है, आप लोग बताना कैसा लगता है ये वैसा बिल्ड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग बिल्ड करने का, और ये जो मेरे सामने जो स्केलेटन फार्म है वो मैंने मतलब थोड़ा सा अलग तरह से डिज़ाइन किया, देखते हैं कि आप लोगों को कितना पसंद आता है। या ये स्केलेटन फार्म है जो कि राइट यहाँ, तो कहीं ये वाला ब्लॉक, तो मैं यहाँ पर जब ग्राइंडिंग कर रहा था आसपास इधर से बार बार जा रहा था,
मेरे को पहले नहीं दिखा था कि यहाँ पर एक स्केलेटन स्पॉन आ रहा है राइट। मतलब जो लेवल है कि आप लोग देख सकते हो, बस ग्राउंड लेवल से 3 ब्लॉक, 1 2 3 ब्लॉक, 3 ब्लॉक ऊपर ही यहाँ पर एक स्केलेटन फार्म स्पॉनर था, मेरे को दिखाई नहीं। कौन बोल रहा है कि मैं अंधा हूँ? नहीं, मेरे को दिखाई नहीं भाई, मैं क्या बोलूँ। तो मेरे को जब फाइनली दिखा था, मनोज भी बिजी था तो मैं बड़ा शौक हो गया था, मनोज को भी दिखाया तो उसने बोला ये बग वगैरह नहीं है, ये कभी कभी होता है मशरूम आइलैंड पे। तो मैंने इसको फार्म बना दिया एंड ड्रॉप डाउन के लिए मैं 30 ब्लॉक ऊपर तक लेके गया, वो चांद तक। हाँ, तो चांद तक लेके जाके चांद से गिरा रहा हूँ उनको। तो ये वन शॉट है, देख सकते हो, ये वन शॉट के लिए तो आसानी होता है। मैंने बहुत सारा ग्राइंडिंग किया, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग किया था, 10 स्टेक ना 9 स्टेक तो मैंने मनोज को ऐसे ही दे दिया, एकदम फेंक के दे दिया, सबको मैं बांटता रहता हूँ। आकाश भी लेके गया था। सो एनीवेज, तो यही था। पर मैं इस बार मैंने सब बेबो मेंबर से प्रॉमिस किया है कि मैं जल्दी जल्दी स्टार्टर, मतलब फर्स्ट एपिसोड में स्टार्टर बेस नहीं बनाऊंगा। स्टार्टर बेस नहीं बनाया मैंने, जो घर है स्टार्टर, पर बाकी ये तो बेस नहीं कह सकते, स्केलेटन फार्म है भाई, बिल्ड तो बनाना पड़ता है, पर लेआउट तो बना सकता हूँ। इसलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में कोशिश किया कि ये लेआउट बना दूँ। और ये वाला एड ऑन मेरे को बहुत पसंद है, मशरूम आइलैंड जो आप लोगों को दिखा रहा है। तो अगर आर्मर को, आप आर्मर स्टैंड को अगर बैनर दोगे तो वो अलग अलग चीज़ें दिखाता है, जैसे कि ये हम लोग का स्पॉन रेडियस चंग दिखाता है, अगर ग्रीन वाले जो है तो उसके अंदर रहोगे तो जो बाहर वाले रेड कलर का सर्कल है उसके अंदर मॉब स्पॉन होता है। तो ये नॉर्मल का चीज़ है जो जावा में होता है, डिबग करके शायद कुछ होता है, तो ऐसा टाइप का है। तो ये बहुत यूज़फुल है, आप लोग भी यूज़ करना। बैटोनस का ये दो चंग दिखा रहा है, तो ये पूरा चंग दिखाता है, और ये नॉर्थ स्टाइस, बहुत सारे चीज़ें आप लोग देख लेना कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। पर मैं सो जाता हूँ, नहीं तो मॉब तो स्पॉन नहीं होगा, पर दिखाई नहीं देगा कुछ मेरे को। एनीवेज, तो ये लेआउट आप लोगों को समझा देता हूँ। ये छोटा सा, एकदम छोटा सा बना रहा हूँ बिल्ड, जो स्टार्टर हाउस है, ओब्वियसली स्टार्टर हाउस है, छोटा ही बनाना चाहिए। देख सकते हो, एकदम छुट्टू सा घर है, एकदम छुट्टू सा घर है। तो ये मैं कोशिश कर रहा था कुछ अलग डिज़ाइन का घर बनाने का, और माफ़ करना थोड़ा सा बॉयज़ इशू हो रहा है क्योंकि आसपास चिड़िया बहुत है। तो ये जो छोटा छोटा वर्टिकल जैसा घर देख, मतलब लेआउट दिख रहा है, तो इनमें से होगा हर एक में एक एक विलेजर्स, एक या दो विलेजर्स होगा, तो हम मेरे को ट्रेडिंग करने में आसानी होगा। उससे पहले मेरे को विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा। एनीवेज, और जो बाकी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो मेन ये जो हाउस है, ये यहाँ पर एंट्रेंस होगा, इस चारों कोने से एंट्रेंस एक एक होगा, और ये मेन हाउस होगा। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, इसका जो मटेरियल जो है वो लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारा अलग अलग तरह का सब मटेरियल्स इस बार चाहिए। मेरे को पहले तो मड चाहिए, टेराकोटा चाहिए, और बहुत सारा वुड तो ऑब्वियसली चाहिए। देखते हैं कि कितने तेज़ी से मैं वो सब कलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे कठिन होगा मेरे को मैंग्रोव का जो नया वुड आया वो कलेक्ट करने में। एनीवेज, मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, निकल जाता हूँ। तो मैं चलता हूँ या नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ अब तक मैंने कितना चीज़ें ग्राइंडिंग किया है। मतलब लगभग ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं लाया, अभी भी ग्लास थोड़ा सा और चाहिए, यहाँ पर वुड मैंग्रोव सबसे ज़्यादा मेरे को चाहिए, और स्प्रूस तो बहुत सारा है, मैं कलेक्ट कर लूँगा, वो तो आसान है करना। पर हाँ, ये छोटा सा मैं बिल्ड बनाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हाँ मतलब फर्स्ट एपिसोड पे मेरे को बनाना तो नहीं चाहिए, मेरे को जो मैंने प्रॉमिस किया था वो नहीं बनाऊंगा। एंड ओवरऑल मेरा स्टार्टअप आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर से बता देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा, ये वाला वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन टाइप का था, क्योंकि टाइमलेस वगैरह मैंने रिकॉर्ड नहीं किया जो बिल्ड किया था, या फिर बहुत सारे क्लिप्स जो अदल बदल गया है, मतलब मेस्ड अप हो गया, इसलिए मैं बहुत सारे क्लिप नहीं डाला, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए। पर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ बेवो के ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।